स्वागत है आप लोगों का नए हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड की इंग्लिश का रिवीजन करने जा रहे हैं। पोएट्री सेक्शन का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एमसीक्यू आता है, 100 नंबर का रहेगा, 50 को धरा गया, एकदम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हम लगा रहे हैं आपका। जॉन डोनी जे पोएट, मेटाफिजिकल पोएट। आप लोगों को कॉपी कलम लेके बैठना है, दाएं दबा नोट कर लेना है वीडियो को पॉज करके। डैश हैज द डिस्क्राइब एज मेटाफिजिकल पोएट, कौन है हमारे जॉन डोन है। द रेडनेस ऑफ फायर, रेडनेस ऑफ फायर क्या चीज़ का प्रतीक है सर, क्रूएल का। द पोएट जॉन डोन इज बेटर देन सन। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, रिटन बाय जॉन डोन। द पोएट इज ए स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो बिलव्ड, कैंसर आपका सैड ऑफ। ही बिलव से दैट सी हैज ए ग्रेट लव फॉर जॉन डोन, तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। जॉन डोन बगल में आंसर लिखा है, फील इसका मैन हो जाएगा। जॉन डोन हैज सीन द सन सिटिंग डैश येस्टर डैश वन टू ग्लेड, कौन जॉन डोन। जॉन डोन इज गोइंग टू, कहाँ जा रहे थे जॉन डोन, जर्मनी। तो आपका पहला चैप्टर का ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से आपको दो तीन धराई जाएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय वाल्ट व्हाइटमैन। वाल्ट व्हाइटमैन कितने साल के थे, 37 साल के। द पोएम ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बी सिंग होगा, इन द फर्स्ट लाइन वाल्ट व्हाइटमैन हिमसेल्फ इज द स्पीकर ऑफ पोएम, कौन है वाल्ट व्हाइटमैन। द डैश ऑफ दैट आर विस्परिंग नेवर, कौन है मैसेंजर्स। डैश इज इनइविटेबल डेथ, द लाइन होपिंग टू कीज नॉट टिल देथ इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो आपका इतना 8 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसने लिखा है, डब्ल्यू एच ऑर्डन। फॉलिंग क्या, लीव्स। डैश हैज बिकम डम सीन द लीव्स नाइटेंगल, द वाटर फॉल वाइट वाटर फॉल हो जाएगा। द प्रॉम्स आर रोलिंग, ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन, बताइए ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन डेथ। द ट्रेवलर आर गोइंग वी ह्यूमन बींग्स, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ट्री सेड्स लीव्स ऑटम, पर्सन आर ट्रेवलर्स यंग, यंग पर्सन होगा। द लाइन एंड नाइटेंगल इज डम किसके द्वारा लिखा गया, नाउ लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में लिखा गया है। तो ये नाउ लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ओड टू ऑटम, डैश वाज ग्रेटर लव ऑफ जॉन किट्स। ऑटम स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ सीजन बी समर, इन ए न्यू लीव्स आर फ्रूट कम आउट ऑफ ऑटम, इसका हो जाएगा सी, ट्री से ऑटम में होगा। ओड टू कब होता है, ऑटम में, इसका नाम ही ऑटम है तो इसका आंसर भी सब ऑटम का है। ऑटम क्या होगा, फ्रूटलेस हो जाता है। लेमिनिया एनहाइब्रिसिया सी, जॉन किस, जॉन किस राइटर है तो उन्हीं लेखक के बारे में होगा, आप लोग को याद रखना, जमीन लेमिनिया एनहाइब्रिसिया। तो ओड टू ऑटम 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आएगा। इपीटाफ, इपीटाफ इज रिटन बाय वाल्टर डी ला मारा, वाल्टर डी ला मारा कौन थे भाई, वाल्टर डी ला मारा हु इज द लेडी, लेडी के बारे में बात किया जा रहा है। द पोएट थिंक दैट डैश इज नॉट एवर लास्टिंग, ब्यूटी, ब्यूटी हमेशा नहीं रहती है तो उसी के बारे में बताया गया है। द पोएट फील दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल रिमेंबर, वाल्टर डी लामा कब जन्म लिए थे, 1873। वाल्टर डी लामा मेक अवे फूड ऑफ, इसका हो जाएगा बी पोवर्टी, पर इसका आंसर गाइज ए होना चाहिए, ह्यूमन कंडीशन के बारे में बताया गया, इसका आंसर ए होगा। द सोल्जर, सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया है, रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर इज ए पोएम, सोल्जर पोएम है, वार के बारे में है। द सोल स्पीकर कौन है इसके, सोल्जर के बारे में बताया गया है। पोएम कंसिस्ट ए 14 सोनेट है, ये 14 लाइन है। डैश इज इनइविटेबल डेथ, द प्लेस वेयर सोल्जर, तो इंग्लैंड की बात कहा गया था तो इसका आंसर इंग्लैंड हो जाए। द स्पीकर इज नॉट एफ्रेड ऑफ, स्पीकर किससे नहीं डरता है, डेथ से। डस्ट क्या है, डस्ट पार्टिकल जो है, सोल्जर की बात हो रहा है, रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक इंग्लिश। द इमेज एंड प्रेस ऑफ डैश रन थ्रू बोथ द स्ट्रेंजर बी इंग्लैंड, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइन इन दी हर्ट क्या होगा, ये सोल्जर। नेक्स्ट है मैग्निटी द मैजिस्ट्रिकेट, मैग्निटी द मैजिस्ट्रिकेट इज रिटन बाय टी एस इलियट, डैश इज द मास्टर। मैग्निटी, मैग्निटी इज ए कैट, मैग्निटी सेटलमेंट स्कॉटलैंड, मैग्निटी इज कॉल्ड हिडन पॉ, मैग्निटी डिसिप्लिन हुआ था किसे, पुलिस से। मुंगो जेरी कौन है, कैट है। डैश इज टॉलर देन मैग्निटी, मैग्निटी मूव्स लाइक स्नेक। द पोएट कंपेयर मैग्निटी टू नेपोलियन। फायर हैम्प, केटी डी दारूवाला, इंडो एलिगेंट थे। फायर हैम्प रिटन बाय केटी एंड दारूवाला,
केती अंधारू वाला इसका आंसर हो जाएगा, केती अंधारू वाला कंसाइनिंग बोर्न सन, कंसाइनिंग हिज न्यू बोर्न सन, इसका देखिए आंसर सी हो जाएगा। कौन बिलोंग करता है, केती अंधारू वाला, ये कौन थे, जोरो एस्ट्रियन थे, डैश चाइल्ड बोर्न, फर्स्ट बोर्न, पोएट सीन, रेड हॉट इम्बर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वॉज द पोएट अलॉन्ग विथ हिम पास बाय घाट फादर, डेड बॉडी, डेड बॉडी के पारसी थे और नीचे अंदर वाला पारसी रीजन थे। तो अब लास्ट चैप्टर पर चाहे स्नेक, स्नेक इज रिटन बाय, आप स्क्रीन शॉट दे सकते हैं, इन मदर हाउस। तो चाहे बोला कि सबसे भी कलम अगला इंडियन एग्रीकल्चर देखेंगे। तो अब यहाँ स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, कमला दास इज ए पोएट्रेस, सी इंडियन, मिस्टर माई ग्रैंड मदर हाउस इज रिटन बाय कमला दास। अच्छा बताओ, इसका आपको डॉग होगा, हाउस वेन साइलेंस, वोमेन कमला दास की ग्रैंड मदर थी, कमला दास ग्रैंड मदर के बारे में बताती है, स्नेक वेयर या बुक पे थे। तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, लाइक